दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है तो कैसे आप वापस ला सकते हो। तो आप देख सकते हो ये है मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, जो मैंने लोगों से कॉल किया हूं तो वो यहां पे है कॉल रिकॉर्डिंग। तो अभी मैं आपके सामने ये कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट करूँगा, फिर वापस ला कर दिखाऊँगा। तो चलिए मैं आपके सामने डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्लिक करा, मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, टोटल 15 कॉल रिकॉर्डिंग है। और मैं नीचे डिलीट पर क्लिक करता हूँ और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमने आपके सामने सभी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया। ओके, तो इस प्रकार से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई होंगी, चाहे एक कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हुई हो, चाहे 10, चाहे सभी। तो आप अपनी डिलीट हुई कॉल रिकॉर्डिंग वापस ला सकते हो। कैसे वापस लाना है चलिए वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपके सामने अपनी सभी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया हूँ। ओके, तो इस प्रकार से आपकी भी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हुई होंगी। तो चलिए वापस कैसे लाना है, कैसे रिकवर करना है बता देता हूँ। तो उसके लिए आपके मोबाइल में एक टूल्स का ऑप्शन होता है। ओके, तो ये है मेरे फ़ोन में टूल्स का ऑप्शन। तो आप ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं पर आपको टूल का फोल्डर यानी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप क्लिक कर देना। तो चलिए मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप टूल्स पे क्लिक करते हो तो इसके अंदर दोस्तों आपको एक रिकॉर्डर ऐप मिल जाएगा। ओके, तो ये है रिकॉर्डर ऐप, आप इस पर क्लिक करना। और बाई चांस अगर आपको टूल के अंदर इसमें यहाँ पे रिकॉर्डर ऐप ना मिले तो आप बाहर ढूंढ लेना, फोल्डर में है ना, या फिर मोर ऐप में, कहीं ना कहीं पर आपको रिकॉर्डर ऐप का मिल जाएगा ऑप्शन। ओके, तो मतलब कि आपको रिकॉर्डर ऐप ढूंढ लेना है और ओपन करना है। यहाँ पे मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर आपको रिकॉर्डर ऐप मिलेगा। आप रिकॉर्डर ऐप पे क्लिक करना, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सामने डिलीट करा हूँ। ओके, तो कॉल रिकॉर्डिंग वापस पाने के लिए, वापस लाने के लिए देखो साइड में आपको एक छोटा सा सेटिंग का आइकन दिख जाएगा, ये वाला। ओके, तो अभी आप इस सेटिंग पे टच करना। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिसेंटली डिलीटेड आइटम का। ओके, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो रिसेंटली डिलीटेड आइटम का ऑप्शन है, तो अभी आप इस पर क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपकी जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हुई होंगी सभी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपके सामने कॉल रिकॉर्डिंग टोटल 15 डिलीट करा था, जितनी भी थी यार टोटल है ना, तो वो सभी यहाँ पे हैं। ओके, तो आप चाहो तो प्ले करके यहाँ पे सुन भी सकते हो। अभी देखो इनको वापस पाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो 30 दिन के अंदर डिलीट हुई होंगी वही कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिलेंगी और वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको वापस मिल जाएंगे। यहाँ पे सामने लिखा भी है डिलीटेड आइटम कैन बी स्टोरेड इन द ट्रैश फॉर अप टू 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपकी जो भी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हुई हैं आप आसानी से उसे वापस ले सकते हो। ओके, तो आपकी जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होंगी ऑल टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इन्हें वापस लेने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे एक कॉल रिकॉर्डिंग पे ऐसे दबाएंगे, ये सिलेक्ट होगा, जितनी भी वापस लेना है उस पर आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर सभी को लेना है वापस तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। एंड नीचे आपको एक रिस्टोर का बटन मिल जाएगा छोटा सा, ये वाला आप देख लीजिएगा। तो अभी आप रिस्टोर वाले बटन पर क्लिक करना। तो जैसे आप रिस्टोर पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखाएगा एम्प्टी और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग वापस आ जाएंगी। अब सिंपल आप बाय करना। तो आपने जिस भी फोल्डर से कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट किया होगा आप वहाँ पे जाना तो आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तो मैंने यहीं से डिलीट किया था। अभी आप 3 डॉट पे यहाँ पे नीचे या जो 3 डॉट का ऑप्शन है आप इस पर टच करेंगे तो इसमें आप रिकॉर्डेड कॉल्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप इस पर टच करना तो यहाँ पर भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ओके, तो ये आप देख सकते हो जो मैंने आपके सामने कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट किया था। ओके, तो ये आप देख सकते हो मेरी जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हुई थी मैंने आपके सामने जो डिलीट किया था वो सभी कॉल रिकॉर्डिंग है। ओके, तो अभी मेरी डिलीट हुई कॉल रिकॉर्डिंग वापस आ चुकी हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई हैं तो आप वापस ला सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही नई वीडियो के साथ। अब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।